heavy. ज्ञान रुद्र और रुद्र जो रुद्र यज्ञ रखते हैं वो ये नहीं जानते कि रुद्र ने ज्ञान का यज्ञ रचा, उससे ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, इसलिए वो रुद्र यज्ञ नाम देते हैं। वास्तव में भगवान ने आकर के वो कोई शास्त्रों का यज्ञ नहीं रचा, वो तो आकर के सीधा ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में है रुद्र यज्ञ, टेलीग्राम बनाते हैं मिट्टी के, दुबे को बनाते हैं, काम को तोड़ देते हैं, गांधी यादगार उदय को नित्य बुद्धि और काम को अनित्य बुद्धि। जब सूर्य निकलता है तो सत्व प्रधान वेला और सूर्य डूबता है तो तम प्रधान वेला, ये संगम युग की बातें हैं। सत्व प्रधान है तो सरेंडर बुद्धि होते हैं, तमो प्रधान है तो अनित्य बुद्धि बन जाते हैं। जैसे टेलीग्राम टूट गया, बेलम चल गया, भक्ति मार्ग में खून होता है, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म मात्र है। भक्ति मार्ग में रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र तो होता नहीं प्रैक्टिकली, मूर्ति बना के रख देते हैं। और ज्ञान मार्ग में सिर्फ मूर्ति की बात है या चैतन्य भी होता है? चैतन्य भी होता है, चैतन्य ना हो तो ज्ञान यज्ञ रचा नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान के नाम पर साफ रख के रख देते हैं, शास्त्रों में तो सुंदे सुंदे मकर बिन्न और भी दुर्गति हो जाती। आज बाबा ने बोला कि बात अकेला प्रत्येक नहीं होती, तो मत्स्य के साथ प्रत्येक होती, तब किसके मत्स्य भाई आप क्या दूसरे बच्चा पैदा होगा दूसरे पे माँ बाप ही होंगे तो और भी होंगे पूरा परिवार, परिवार होगा ना, वो तो स्कूल छोटे बच्चे की बात है सचिव में, और यहाँ है प्रत्यक्षता करने के लिए संगम भी कर सकी बात, जिसके साथ शास्त्रों में कंसी जरा से भी दिखाए। तो वो अकेले प्रत्यक्ष होता है या परिवार के बीच प्रत्यक्ष होता है? परिवार के बीच प्रत्यक्ष होता है। अष्टदेव चाहिए बाबा, को 20-22 वर्ष का होता है तो उनको गति मिलती है, और जी भी मुरली में बुलाए लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में उस लोग को 20-25 वर्ष लगता है, तो ये संगम के प्रश्न के लिए बुलाया गया ना, तो इसका इतिहास में कहा गया 20-25 भी बोला है और 18-20 वर्ष भी बोला है, वो संगम की कृष्ण की बात है। बाकी सचिव में जो कृष्ण पैदा होगा वो 7 साल के बाद बच्चा पैदा होगा, और अष्टोत्तर जो होती है वो तो तीन उठ गई हमारा
अभिज्ञता में आने वाला प्रमाण होगी। अतः देव है सारी शक्ति के पूर्वज है, उनसे पहले और कोई पूर्व में जन्म नहीं लेता। तो शक्ति की जो पूर्व में रचना होगी सबसे पहले वो तो सात्विक रचना ही होना चाहिए या तमोगुण होगी। सात्विक वो नारी कुल होगी या पुरुष कुल होगी? क्योंकि नारी में तो पंचवटी भाव अधिया है। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, ये तो रुद्रमाला के मणके है। रुद्रमाला के जो मणके है वो आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए 100%। कंचन काया बनना कब से शुरू होगी? कंचन काया का कनेक्शन पांच तत्वों से है या सिर्फ आत्मा से? पांच तत्व जब तत्विक बनेंगे तो कंचन काया भी बनेगी। और पांच तत्व जिससे शरीर बनता है, ये पांच तत्व जो तामसी है वो विनाश होने से पहले सात्विक को बन जाएंगे या बाद में सात्विक को बनेंगे? विनाश से पहले सात्विक बन जाएंगे। दुनिया में तामसी मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या सात्विकों की संख्या ज्यादा रहेगी? तामसी मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके वाइब्रेशन तामसी तामसी सारी दुनिया में फैल गए। तो वो तामसी वाइब्रेशन वातावरण को तामसी बनाने वाले वो पांच तत्वों को सात्विक बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इसलिए जब तक उनका विनाश न हो, आत्मा का विनाश हो नहीं होता है। उन शरीरधारियों का विनाश जो तामसी है, तब तक नई दुनिया नहीं बन सकती। इसलिए बोला है पांच तत्वों का भी परिवर्तन करना पड़े। सिर्फ आत्मा परिवर्तित हो जाए, तत्व प्रधान बन जाए, इससे नहीं बनेगा। दुनिया के पांच तत्व भी सात्विक बने, सब विश्व परिवर्तन होगा। और आपसे बोला है कि नौ का मतलब मैं तुमको गोल का नजारा दूंगा, तो ये कितना होगा? हाँ, नर्क की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा वो अंदर से समझने की बात है, सुखी रहने की बात है। तो चलो भले इस कांटों के जंगल में रहे, लेकिन मन से हम सुखी रहे, प्रसन्न रहे। तो अरिजना ये बात को प्रैक्टिकल में देखेगी? देखेगी नहीं, प्रैक्टिकल में समझेगी। और कृष्ण और क्राइस्ट उनकी राशि मिलाई जाती है और कंस की भी राशि मिलाई जाती है क्या? और राम और रावण की भी राशि मिली हुई है। इसलिए बोला राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। जब राम अति का तामसी बन जाए, 100% तामसी बन जाए, तो वो ही रावण का काम करता है, ताकि दुनिया के जितने भी तामसी तत्व हैं उन सबको खराब कर सके। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है,
ये कर्म का कनेक्शन प्रायश्चित के साथ है, कंस के साथ है। में दिखावा होता है, क्रोध होता है, रावण को विचार का शिक्षक दिखाया है, कामी दिखाया है या अति का क्रोध ही दिखाया है। मूल विकार उसमें कौन सा था जो सीता को हरण किया है? पर स्त्री गामी तो ये काम विकार की निशानी है ना, इसलिए राम के साथ रावण दिखाते हैं और कंस के साथ कंस दिखाते हैं। रावण तो जुड़ा गया जब, इसलिए कि अपना बहन की क्रोध मिटाने के लिए है, अपना बहन की क्रोध मिटाने के लिए उसने सीता को चले कर लिया। हाँ ये कौन दिखा का निशान है क्या? मोदी का निशान है नहीं नहीं सीता को हरण किया इससे क्या क्रोध साबित होता है? अपने बहन की बहन की बहन की क्या बहन बहन अपन बहन क्या उसको नुकसान है खाता है बोलो उनको ने खाता बोल क्या लगी उन्होंने कहा था कैन पर उन्होंने रावण ने चुराया रावण ने चुराया सीता को ना काट दिया ना राम। हाँ हाँ बताया रावण को, वो तो एक युक्ति निकाली, और भी तो तरीका हो सकता था आक्रमण करने का, यही तरीका क्यों निकाला? नारायण को एडवाइस दी जाती है लेकिन ऐड तो वही सोलह कलर था संगम भी लक्ष्मी नारायण की आयु कितनी होगी और सती भी लक्ष्मी नारायण की आयु कितनी होगी, माना दोनों में से कितनी की किसकी आयु ज्यादा होगी और किसकी आयु कम होगी? यही बात ज्यादा योगी कौन होगा? संगम की लक्ष्मी नारायण ज्यादा योगी होंगे या सतयुग के साथ आठ नारायण ज्यादा योगी होंगे? संगम की लक्ष्मी नारायण ज्यादा योगी होगी, जो ज्यादा योगी होगा उसकी आयु भी ज्यादा लंबी होगी। आज या हिस्ट्री में कभी भी राजाएं मंत्री रखते थे, द्वापर युग से मंत्रियों के रखने की परंपरा चली, सत्य को त्रेता में मंत्री नहीं रखते रखे जाते थे। मंत्री किस लिए रखे जाते हैं? मंत्रणा देने के लिए। सत्य को त्रेता में मंत्री क्यों नहीं रखे जाते थे? नहीं, वहां पवित्र बुद्धि होती थी, वहां व्यभिचार होता ही नहीं, अपवित्र बुद्धि होती ही नहीं। और द्वापर युग से राजा अपवित्र बुद्धि होते थे, तो अपनी अपवित्र बुद्धि के कारण वो पवित्र ब्राह्मणों को अपने यहाँ रखते थे ताकि हमको पवित्र मंत्र न दे। अब आया तो मुझे एडवाइस देने वाली लक्ष्मी होनी चाहिए या एडवाइस देने वाला लक्ष्मी घर होना चाहिए? कौन होना चाहिए? पवित्रता का मात्रा ज्यादा कितने हैं जन्म जन्मांतर का? रानियों में या राजाओं में? रानियों में। इसलिए परंपरा बना दी गई, यत्र नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
यहाँ पवित्र रहने वाली नारियों की पूजा होगी, उनको मान्यता दी जाएगी, आगे रखा जाएगा, तो वहाँ देवताएं बात करेंगी। जन्म नहीं लेंगे कहाँ कसी उतरे कल जरूर लेते हो दूसरे ट्राइन जो द्वापर में ही तो जन्म लेते हो कहाँ जन्म लेते लेकिन वही जो कह रहे हैं और समझ क्यों नहीं आता है, मतलब जब जो हमें बैठ जाओ तो वही जैसे अनुभव क्यों नहीं होता है, क्या वाइब्रेशन के लिए ना, और कुछ। एक तो जब से ज्ञान में आते हैं तो साक्ष्य किससे जुड़ती है, एक की तरफ बुद्धि खिंच जाती है, फिर धीरे धीरे अनेकों की तरफ बुद्धि जाने लगती है, अनेकत्व वाली बुद्धि होने से फिर एक की मत पर चलेगा या अनेकों की मत पर चलना शुरू कर देगा। अनेकों की मत का प्रभाव पड़ जाता है तो पाप कर्म होने लगते हैं। ज्ञान में आने पर जब सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थी, जैसे जैसे शाम सी होते जाते हैं वैसे वैसे खुशी उड़ती जाती है। ऐसे बेसिक नॉलेज में हम बहुत अच्छे थे, अच्छा अनुभव करते थे, और एडवांस में जब से आए तब से हमारा अनुभव शाम सी हो गया। तो ऐसा हुआ, बेसिक नॉलेज में ज्ञान भी बेसिक था और एडवांस ज्ञान में ज्ञान भी एडवांस है, गहरा है। तो वहां प्रावधान बाबा ने बनाया कि दुनिया में पाप करो तो एक गुना फल, और यहाँ ज्ञान में पाप करो तो 100 गुना फल। वो बेसिक हिसाब से ऐसे ही एडवांस ज्ञान गहरा हो गया। अगर यहाँ एडवांस इतना गहरा ज्ञान लेने के बावजूद भी अगर हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों का बोझ भी एडवांस करेगा या बेसिक हिसाब से करेगा, एडवांस करता है, इसलिए अवस्थाएं ज्यादा नीचे गिर रही। कल्प है, एक कल्प में सत्युग के आज में 16 कलर संपूर्ण, और कलयुग के अंत में कला ही फिर होती है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा और चंद्रमा की आत्मा कलाएं घट रही है या बढ़ रही है, क्या हो रहा है? घट रही है, घटते 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 एकदम जीरो रह जाए, अमावस्या का चंद्रमा हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संपूर्ण चंद्रमा। तो मुसलमान लोग अधूरे चंद्रमा को मानते हैं या संपूर्ण चंद्रमा को मानते हैं? वो अंधेरी रात वाले चंद्रमा को मानते हैं। संपूर्ण चंद्रमा होगा, राम और कृष्ण की आत्मा एक जैसी हो जाएगी, 16 कलर संपूर्ण। ये कहते हैं रामचंद्र और कृष्णचंद्र।
पहले पहले माया व्यक्ति से सरेंडर करेंगे ना, तो माया व्यक्ति से अभी थोड़ी छोटी क्या होती है, जो दूसरा जन्म लेकर उसकी एडवेंस आएगी। वो माया व्यक्ति जड़ रूप में आधार रूप थी या बीज रूप थी? जड़ मूर्त ज्यादा पावरफुल होता है या बीज मूर्त ज्यादा पावरफुल होता है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है, तो जड़ में तो आधार में तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बीज ने शरीर छोड़ दिया क्या? भगवान ने जुड़ी भाषा को ज्यादा प्रधान बनाते हैं बीज, तो राम की आत्मा जो पूर्व जन्म में प्रजापित थी, तो उसका सदैव रूपी इधर तक बंगाली रहा है, तो बंगाली क्यों हिंदी में क्यों हिंदी में क्यों नहीं है? भगवान जिस रथ में आता है, भगवान बाप बन करके सारे विश्व का कल्याण करने के लिए वो बंगाली रथ में आकर के सारे विश्व का कल्याण करता है, या ठेठ हिंदी वाले रथ में प्रवेश करके विश्व का कल्याण करता है? हिंदी भाषा वासी तन में आकर के कल्याण करता है। तो मुरली में भी क्या बोला है, बाप आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं या सिंधी में बोलते हैं? जो भी मुरलियां चढ़ाई गई है वो बंगाली भाषा की नहीं है, सिंधी भाषा की नहीं है, एक अंग्रेजी भाषा की भी नहीं है, सारी मुरलियां उसी भाषा में है जिस भाषा में प्रजापिता अपने दूसरे जन्म में अच्छी तरह से समझ सके। जैसे कि सारी मुरलियां उसी के लिए चलाई गई, जो आदि में था वो जड़ पिंड था या प्रकट होने वाला पाप था? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला शिव जयंती जिसकी मनाई जाती है, महाशिवरात्रि जिसकी यादगार मनाई जाती है, वो था या सिर्फ जड़ पिंड था? पेट में गर्भ होता है पहले जड़ पिंड होता है, बाद में आत्मा प्रवेश करती है, और बाद में वो प्रवेश की हुई आत्मा वाला पिंड प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, जिसे कहते हैं जल। तीन आयाम हुए, एक पिंड, दूसरा आत्मा का प्रवेश होना, और तीसरा जन्म लेना। तो संक्षिप्त में क्या था, ज्ञान का बीज आरोपण हुआ तो पिंड तैयार हुआ ना, संक्षिप्त में सोल ने प्रवेश किया, इमरजेंसी नहीं हुई पक्की पक्की, इमरजेंसी कब होगी जब बच्चा बाहर आता है, तो इमरजेंसी अभी होने वाली है या हो गई है? अभी होने वाली है, वो तो ब्रह्मा कुमार तुम्हारी ऐसे ही मना लेते हैं, भक्ति मार्ग की कृपा देगा तुम्हें, शिवरात्रि को ही मनाते हैं ना, उन्होंने शिवरात्रि का दिन कहाँ से ढूंढा? भक्ति मार्ग वालों को खाया या उनकी अपनी को कोई खोज है ज्ञान की? भक्ति मार्ग वालों को खाए बाबा के बाद इतने समय के बाद प्रवेश करती है, उसी वक्त प्रवेश करती है।
वही उनहत्तर वही प्रवेश कर दिएगा है। अरे ये रंगमंच को छोड़ करके बाप जाता है क्या? जो बाप इस धरती पर आते हैं तो क्या बीच में छोड़ करके चले जाते हैं क्या? आए हैं तो कल्याण करके वापस जावेंगे या बीच में चले जावेंगे हैं? कल्याण करके जाओ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का तन छूट गया तो बीच में कोई गैप हो जाता है, नहीं। उसकी एक स्त्री जाती है तो एक कहते हैं एक गई और दूसरी जूती लेते हैं। बाबा मम्मा शरीर छोड़ने के बाद तो दादा देखा इसको ये पक्का पक्का महसूस हुआ कि ये जब गर्ज में वस्तु रुपये हैं उस टाइम पर तो उसको पक्का पक्का महसूस हुआ कि ये जो गर्जों का कार्यभार है वो सारी मेरे तरह होने वाला नहीं है। फिर भी वो तुम अभी भी उसको गीता का भगवान साबित कर रहा है अपने अंदर वो भगवान की टीम है दादा लेखा का। ये कैसे कह सकते कि मेरे द्वारा होने वाला नहीं है? अगर अगर सन 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसी समय बाबा की अनुभूति हो जाए कि ये कार्य मेरे द्वारा होने वाला नहीं है तो आज फिर उसी समय हो जाना चाहिए। आज फिर कब होता है? आज फिर हुआ है इससे साबित होता है कि उस समय उनका दिल टूटा है अचानक। तो फिर भी उसके अंदर इतना घमंड क्यों नहीं? गीता का भगवान जहाँ जिससे उसको साक्षात्कार मिला। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा घमंड होता है या स्थूल शरीर में ज्यादा घमंड होता है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। भारत के परंपरा में जो भी मर जाता है तो उसके भाई लोग जलाने के लिए जाते हैं। भारत के परंपरा में जो भी मर जाते हैं सरल सबसे तो फिर भाई लोग जलाने को भी जाते हैं। माता कन्या क्यों नहीं जाते? माता कन्या क्यों? ये रावण का जो देह अभिमान जलाया जाता है वो रुद्रमाला के पुरुष मन के ही जलाते हैं या विजय माला की कन्या माता जलाती है? अरे रावण को कौन जलाता है? देवान को रुद्रमाला के पुरुष मन के ही जलाते हैं या विजय माला की कन्या माता जलाती है? बोलो रुद्रमाला के मन के जला रहे हैं अभी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो भक्ति मार्ग की परंपरा हो गई फिर पुरुष भी जलाने के लिए जाते हैं। और भक्ति के संसार रहने से कभी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी संसार अगर भक्ति मार्ग का 100% के स्टेज पर पहुंच गया तो एडवांस वाले को भी सही छोड़ना पड़ सकता है। अभी तक एडवांस वालों ने जिन्होंने जिन्होंने सही छोड़ा उनका कोई न कोई संस्कार ऐसा है जो 100% इन तरह को पहुंच गया तो सही छूटा। आगे भी छूटते रहेंगे। किसके शरीर अष्टदेवों के शरीर में क्यों बाप नहीं आते? वैष्णवी देवी वैष्णवी देवी के शरीर में हाँ नहीं आते उनको ब्रह्मा कैसे कहना पड़ेगा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। ब्रह्मा का कार्य जो है वो बड़ी माँ के रूप में
और बड़ी माँ के रूप में जो पार्ट है वो पांच आत्माएं बजाती है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है उसमें तो आते ही आते हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा है उसमें भी आते हैं, और जो बड़ी माँ है जगदम्बा उसमें भी, और रह गई एक वैष्णवी, तो अगर उसमें भी आ जाए तो गोल गोल करने का पार्ट रहेगा या प्रैक्टिकल कर्म करने का पार्ट रहेगा? प्रैक्टिकल तो रहा नहीं। तो एक रूप ऐसा भी है जो गोल गोल करके नहीं कार्य करता, पार्ट बजाता लेकिन करके दिखाता है, वो प्रैक्टिकल पार्टी है, एडवांस पार्टी का तीसरा रूप। एडवांस पार्टी के तीन रूप, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, और एक है प्लानिंग पार्टी, और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला ब्रह्मा है। और ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो कौन सा ब्रह्मा है जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है? अतेंद्रिय सुख की निशानी है कि इंद्रियों की कोई गरज नहीं रहेगी, इंद्रियों का सुख मिले मिले न मिले लेकिन अंदरूनी आत्म सुख मिलेगा, आत्मा खुशी में रहेगी। अति माना परे, अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे का सुख, पूरा कल बात करता वस्तव नहीं कहते, कौन सी बाप की बात कर रहे हैं? शिव बाप की ना, शिव बापू जो 5000 साल ऊपर रहते हैं पूरा कल तो, या आधा कल रहते हैं? छापने वाले ने गलत छाप दिया होगा, है पर वापस चंद्रमा वापस आए पता है, चंद्रमा कह रहे वापस से राधी नाथ भी राधी नाथ भी तब चंद्रमा की खुशी से मतलब ज्ञान राज में ब्रह्मा बात तो पहले से ही ब्रह्मा बात चंद्रमा सफा हो रहा है मतलब पहले से ही राधी ने की आदि से भी कहते थे नहीं, आदि भी कहते नहीं, आदि में पहले आत्मदेव निकलेंगे कि पहले ब्रह्मा निकलेगा? हाँ 36 में तो इनको साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों का रहस्य तीन आत्माओं ने पहले सुना या दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुना? तीन आत्माओं ने सुना, दादा लेखराज अलग, वहाँ आत्मिक स्थिति रहती है इसलिए वहाँ थकान नहीं होती, और यहाँ देवान की स्थिति में रहते हैं आत्मिक स्थिति भूल जाती है इसलिए थकान होती है, और थकान होती है तो रेस्ट करने की दरकार होती है, वहाँ न रात होगी और न रेस्ट होगा और न थकान होगी।
आपकी बात नहीं समझ आ रही है, जोर से बोलो। एडवांस पार्टी और बेसिक की पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेशन माने जिन्होंने सही छोड़ दिया है। हाँ, इंस्पिरेटिंग पार्टी, एडवांस पार्टी का प्लानिंग पार्टी का हिस्सा और प्रैक्टिकल पार्टी, ये तीनों मिलकर के एक हो जाए तब प्रत्यक्षता हो गई। अहमदाबाद में हमने नारायण का आठ मंदिर है, तो हमें नारायण होंगे ना, तो यहाँ सभी सेंटर से आठ बजे मिले सब। सारी दुनिया में मेरी मंदिर खोलेंगे नहीं खोलेंगे है? और मेरी मंदिरों में कोई तो होगी, तो मुखिया होंगे संभालने वाले, तो जो भी मुखिया होंगे उनको जो भी ज्ञान की संपत्ति मन चिंतन मंथन की मिलेगी अथवा जो स्कूल संपत्ति मिलेगी उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? होगा या नहीं होगा? वहाँ होगा, ये अहमदाबाद बोला है। एक है तपस्या भूमि, एक है सुखधाम, एक तपस्या धाम, और एक है सारे विश्व को कंट्रोल करने का काम। यादगार स्वामीनारायण का मंदिर अहमदाबाद से दिखाया महाराजा बनते हैं? नहीं, महाराजा नहीं होते हैं जन्म। हर जन्म में कोई महाराजा बनता है? रामकृष्ण वाली आत्मा ही हर जन्म में महाराजा नहीं बनती है। में महाराजा बनने के बाद फिर सत्यु के अंत तक नीचे उतरते जावेंगे या महाराजा ही बने रहेंगे? ऐसे ही वापस कलयुग होगा। जो बुलाऊंगी शांति और भद्रपति गुप्त और ये जो थे नवरत्न है वही तो अष्ट देव का है ना? जो भी हो रतन अलग होते हैं, देव अलग होते हैं। रतन एक दूसरे से कम क्वालिटी वाले होते हैं, अष्टदेव सब सूर्यवंशी है, हीरो पार्ट सारी है। वो मिल करके रतन और देव प्रवेश होने की पावर से फिर वो एक हो जाते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। अष्टदेवों की मान्यता पूजन और मूर्तियां चक्रवास में मिलते हैं, लेकिन नवग्रह उत्तर भारत में भी पूजे जाते हैं। नवग्रह माना जो नवा गुरु के कारोबार का उसका जो जो मुख्य है। हाँ जी, हाँ जी, वही नवग्रह है। हाँ जी, ग्रह तब बनता है, ग्रह माना ग्रह नवरत्न बोलते हैं। जो रतन है वो एक दूसरे से कम क्वालिटी के, हीरा माणिक पन्ना मूंगा वो रतन रतन गिराए गए, वो तो सागर मंथन में गिना दिए गए, तो जिसका घड़ा भी गिना गिना दिया। हाँ, वो नौ रतन एक दूसरे से कम क्वालिटी के होते हैं। सबसे कम क्वालिटी का होता है उपरा, उसको नौ ग्रह है, सूर्यवंश
जो देवता है उनके पूरे 84 जन्म होते जो रतन है वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं। एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का द्वापर युग होता है। बहुत करके कोई हो तो दो जन्म लगातार स्त्री के अथवा दो जन्म लगातार पुरुष के ले सकता है। सत्य मित्रता बराबर ही चलता है। सत्य मित्रता में एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का सभी के लिए एक ही जैसा होगा। कोई नीचे ऊपर नहीं होता और द्वापर कलयुग में नीचे ऊपर भी हो जाता है। दो जन्म स्त्री के भी लगातार मिल सकते हैं, दो जन्म पुरुष के भी लगातार मिल सकते हैं। तो कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जो दो जन्म पुरुष के एक जन्म स्त्री के फिर दो जन्म पुरुष के फिर एक जन्म स्त्री के ऐसे भी लेने वाले होंगे। कोई ऐसे भी होंगे दो जन्म स्त्री के एक जन्म पुरुष का फिर दो जन्म स्त्री के फिर एक जन्म पुरुष का ऐसे भी लगातार लेने वाले होंगे। ऐसा आंकड़ा संगम में आता है क्या? ऐसा आंकड़ा क्या संगम में आता है? संगम में ही होता है हर बात। क्यों यहाँ बकरी पले का पाठ किसका है और शेर का पाठ किसका है? नारी कौन है? आज की रानिया है वो आधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाली है और राजाएं स्वाधीनता के स्वभाव संस्कार वाले। और ज्ञान हो गया